अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम इस वीक 16 की लेक्चर 31-32 की थर्ड वीडियो पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रेडियो बटन का यूज देखा था कि कैसे करेंगे, और उसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमने वैल्यू कैसे गेट करनी है, और उसके उसके ऊपर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस वीडियो में हम सिलेक्ट बॉस का यूज देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिलेक्ट बॉस के लिए फॉर्म का जो एलिमेंट है उसको फॉर्म के कोड को कॉपी किया, और यहां पे वेबसाइट के फोल्डर में मैंने एक नया पेज बना लिया, और ये सिलेक्ट का यूज। तो सिलेक्ट के एलिमेंट से क्या बनेगा, आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी। वो कैसे बनाते हैं, वो लास्ट वीक की हमने वीडियो में देखा था कि तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म का जो डिजाइन है। तो फॉर्म में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है जिसकी आईडी एंट्री। अब मैं फॉर्म का रेफरेंस नहीं यूज करूंगा, फॉर्म का रेफरेंस मैं तब यूज करूंगा जब मैं इस इनपुट टाइप को ना फॉर्म के रेफरेंस से कॉल करूंगा, मींस नेम। अब देखिए मैंने यहाँ पे नेम नहीं एट्रीब्यूट यूज किया, अगर मैं नेम यूज करूंगा तो फिर मुझे फॉर्म को फॉर्म का रेफरेंस फंक्शन में पास करना पड़ेगा, ताकि उस फंक्शन के अंदर अगर मैंने फॉर्म के इनपुट को मैंने एक्सेस करना है तो फिर मैं फॉर्म के रेफरेंस से उसे गेट करूंगा कि फॉर्म के ऊपर फलां टेक्स बॉक्स है उसकी वैल्यू गेट करो। अभी मैं यहाँ पे आईडी यूज करूंगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो हम दो एग्जांपल में कर चुके हैं, अभी हम आईडी का यूज करेंगे। तो मैंने अब इसकी रखी हुई है आईडी एंट्री, तो अब मैं इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू एक्सेस करूंगा, वो हम देखते हैं। तो मैंने इसकी आईडी दे दी एंट्री। अब एक्शन आपने लेबल बनाया हुआ है सिलेक्ट के आगे, और सिलेक्ट का जो आईडी दिया हुआ है वो रखा हुआ है ऑपरेशन, ठीक है। सिलेक्ट एक एलिमेंट है जिसका आपने आईडी ऑपरेशन रखा हुआ है। ऑन चेंज इसका इवेंट है। ऑन चेंज इवेंट कब अक्र होता है, जब आपके सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज पड़ी हुई हैं। मैंने उसमें मल्टीपल वैल्यू कौन सी डाली हुई है, डबल और स्केयर। तो जब यूजर डबल पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ चेंज हुआ है। तो जब चेंज होगा तो कौन सा इवेंट अक्र हो जाएगा, ऑन चेंज का, ठीक हो क्या। लेट से आप डबल से स्केयर सिलेक्ट करते हैं, तो इस डबल से स्केयर का सिलेक्ट होना इसे कहते हैं कि कोई चेंज आइटम चेंज हुई है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो इस आइटम के चेंज होने को ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या कहते हैं, ऑन चेंज का इवेंट कहते हैं, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन हुई है ना, चेंज हुई है ना, इंडेक्स चेंज हुआ है। पहले ये वाली आइटम थी जो कि खास इंडेक्स पे थी, फर्स्ट इंडेक्स में थी, फिर सेकंड इंडेक्स पे थी, जीरो इंडेक्स पे आपके आया है सिलेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कुछ इंडेक्स चेंज होता है, इंडेक्स की हर इंडेक्स पे कोई ना कोई आइटम होती है, तो जब आप आइटम चेंज करते हैं, पहले से दूसरी आइटम पे जाते हैं सिलेक्ट करते हैं, तो उस वक्त ड्रॉप डाउन लिस्ट पे सिलेक्ट लिस्ट पे ऑन चेंज का इवेंट अक्कर होता है। तो जैसे ही आप कोई आइटम चेंज करेंगे तो आपका ये वाला इवेंट अक्कर हो जाएगा। तो इस इवेंट को कैसे लिखेंगे, हम सिलेक्ट एलिमेंट का ऑन चेंज एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और ऑन चेंज के ऊपर क्या हो जाएगा, जब भी आप कोई आइटम चेंज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस इसके हमने देख लिए हैं क्या है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है रखी डी, अब यहां पर इसकी वैल्यू को हम यूज करेंगे। और इसकी वैल्यू एस है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि डबल जब यूजर सिलेक्ट करेगा तो इसकी वैल्यू बैक एंड पे डी यूज होगी और इसकी एस होगी, इस वैल्यू को ही हम यूज करेंगे। और यहां पे रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है, इसकी भी आईडी हमने यूज की हुई है, तो इसको हमने रिजल्ट असाइन करना है। तो जैसे ही कुछ चेंज परफॉर्म होगा, आइटम का इंडेक्स चेंज होगा, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फंक्शन की बॉडी, जब ये फंक्शन कॉल होगा फंक्शन की बॉडी में जाएगा। अब ये फंक्शन की बॉडी में आ गया, तो हमने पहले क्या करना है, हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर
वैल्यू गेट कर ली किसकी, ऑपरेशन के एलिमेंट की। ऑपरेशन कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईडी ऑपरेशन कौन सा एलिमेंट है, सिलेक्ट वाला। ठीक है जी, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर से जिस एलिमेंट की आईडी ऑपरेशन है उसकी वैल्यू गेट कर ली, तो वैल्यू कौन सी होगी जो कि एट द टाइम बींग सिलेक्ट होगी। ठीक है, लेट्स से यूजर ने डबल सिलेक्ट किया है, तो अगर यूजर ने डबल वाली आइटम सिलेक्ट की हुई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डी। ठीक है, तो डी किस में आ जाएगा, वी में, वी में स्टोर होगा ना वैल्यू। और इसी तरह से हमने जो एंट्री वाला टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी आईडी एंट्री रखी है उसको भी उसकी एलिमेंट की आईडी से उसको गेट कर लिया और डॉट वैल्यू करके उस वैल्यू गेट कर। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू भी हम किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी से गेट करके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्री वाले टेक्स्ट बॉक्स को हम आईडी से गेट कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट के ऊपर है, एक एलिमेंट मौजूद है आपका जो करंट डॉक्यूमेंट है, और डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू ले रहे हैं। तो लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स में यूजर इनपुट किया था 4, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो टी में क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे चेक लगा हुआ है एक, लेट से यूजर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट को चूज करता है। ठीक है, अब सिलेक्ट क्या है, वी के अंदर सिलेक्ट कब आएगा, तो फर्स्ट अब ये सिलेक्टेड होगा और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, SEL। यहां पे गलती है, यहां पे होना चाहिए SEL, SEL। चेक कर लेते हैं अभी, क्योंकि अगर यूजर ने ड्रॉप डाउन लिस्ट को में से कोई भी आइटम, मतलब डबल या स्केयर, एक्चुअल आइटम इसके ये हैं डबल या स्केयर, ये चूज किए बगैर सिलेक्ट ही वहां पे पड़ा हुआ था और उसने बटन क्लिक कर दिया, उसने आप ये कह रहे हैं कि ऑन चेंज के ऊपर उसने सिलेक्ट को सिलेक्ट किया है इस आइटम को, तो उस केस में क्या वैल्यू जाएगी SEL इस आइटम की। तो वी के अंदर क्या पड़ा होगा उस केस में, SEL। तो वी नॉट इक्वल टू SEL, मतलब कि अगर वी के अंदर SEL नहीं पड़ा होगा, किस सूरत में नहीं पड़ा होगा, अगर यूजर ने सिलेक्शन किया किसकी, डबल की या स्केयर की। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारी जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो, अगर तो उसके अंदर SEL पड़ा हुआ है तो फिर उस केस में कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया, तो इफ वी, अब हम ज्यूम कर रहे हैं कि लेट से यूजर ने डबल सिलेक्ट किया था, तो जब यूजर ने डबल सिलेक्ट किया था तो डबल की जो वैल्यू है, जो डबल वाला ऑप्शन उसकी वैल्यू क्या, डी। तो यहां पे क्या जाके वी में स्टोर होगा, डी। इफ वी इज इक्वल टू डी, अगर डबल सिलेक्ट हुआ तो क्या करे, वो ये वही कोड है कि टी की वैल्यू को पार्स करेगा, टी में क्या पड़ा होगा, जो भी एंट्री वाले टेक्स्ट बॉक्स में है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट किसको साइन कर देंगे, जो भी रिजल्ट वाला आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी, उसको हमने आईडी से गेट किया हुआ है, ये रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये सबसे ये नीचे है ये वाला, इसको भी आईडी साइन की हुई है। अब उसको हमने आईडी से गेट किया और उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, साइन कर दिया, जो भी टी में वैल्यू की उसके 2 मल्टीप्लाई करे। एल्स, एल्स में क्या होगा कि अगर वी के अंदर डी नहीं पड़ा होगा तो फिर क्या पड़ा होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, स्क्वेयर सिलेक्ट करेगा तो उसमें एस पड़ा होगा, तो एस के केस में, एस में आ जाएगा अगर वी के अंदर एस पड़ा होगा, तो एस के केस में वो जो भी टेक्स्ट वहां वैल्यू होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा पार्सिंग करने के बाद। ठीक है जी, तो ये ड्रॉप डाउन इसका यूजेज आ गया, इसे कंट्रोल एस करते हैं और इसको हर तरह से चेक करते हैं। तो ये मैंने सिलेक्शन की डबल की, तभी 0 ही आएगा, तो फर्स्ट अप यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 किया, तो 8 करने के बाद मैं इसे क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयर, तो ये 8 का स्क्वेयर 64 आ गया, मैं इसे डबल कर रहा हूँ तो 16 आ गया, और इन केस में सिलेक्ट कर रहा हूँ
तो उस केस में कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे 16 पुराना रिजल्ट आया, तो वहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर फिर 0 आ जाए, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वर्किंग जो है किसकी, ड्रॉप डाउन लिस्ट की। तो ये होप्स आपको समझ आ गई होगी।